अभी हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है, आज हम जाएंगे शायद शेषनाग तक। अगर हम 2 बजे से पहले शेषनाग पहुंच गए तो शायद आगे जाएं, वरना फिर लगभग आज हम रुकेंगे शेषनाग। थोड़ा सा आगे निकलते ही है चंदनवाड़ी का बेस कैंप। यह है चेक पोस्ट। इससे पहले जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे 10 बजे से पहले एंट्री करनी पड़ती है, और यहाँ पे शायद 12 बजे तक एंट्री अलाउड है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। यह ट्रैक, यह हालत ट्रैक की। ये साथ में है झेलम रिवर। अभी जो सबसे पहले टॉप आएगा वो पीसू टॉप, और उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये स्टार्टिंग में ही थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसके बाद थोड़ा सा ठीक है, ट्रैक कम डिफ़िकल्ट होगा। अच्छी बात ये है कि आज भीड़ थोड़ी कम है, क्योंकि कल जो यात्रियों का कॉन्वे आया था वो सुबह सुबह जल्दी निकल गया होगा, और आज जो आएगा वो कल निकलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे 10 बजे हमने एंट्री ली है। और जो अलग से यात्री आए हुए हैं हमारी तरह, वो सुबह सुबह जल्दी निकल गए होंगे। अब थोड़ा सा इंक्लाइन स्टार्ट हो चुका है। अभी हम रुके एक वाटर ब्रेक के लिए। हम आए हैं वहाँ से नीचे से, और ये वाला जो है ये है पीसू टॉप। यहाँ से होते हुए हमें जाना ऊपर। चलो भाई। यहाँ पे आगे है ऑक्सीजन बूथ, अगर किसी को मेडिकली प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हेल्प ले सकता है। ये शायद हर एक 2 किलोमीटर के बाद आएंगे। आप देख सकते हो कि कितनी दूर तक कोने आए हुए हैं। ये सारे लोग अपना अपना जो ऊपर बिजनेस वगैरह थे, सामान वगैरह था, सारा वापस नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं यात्रा के। इनका सीजन अब लगभग कम हो चुका है। अभी हम रुके थे यहाँ पे थोड़ा रेस्ट के लिए, वहाँ ऊपर है पीसू टॉप। थोड़ा सा मतलब 1 किलोमीटर करीब या उससे थोड़ा कम रास्ता और बाकी है। हम आए हैं वहाँ से, और ये सामने पीसू टॉप, ये है लगभग 3 किलोमीटर। यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन था, काफ़ी सांस भी फूल रही थी, क्योंकि यहीं से ट्रैक की स्टार्ट भी थी। अब इससे आगे थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, ये काफ़ी हार्ड पार्ट था।
अभी टाइम हुआ लगभग 11 AM हम पहुंच गए यहाँ पे लगभग 1 घंटे में। जो लास्ट चेक पोस्ट था उसे हम निकले थे लगभग 10 बजे और 11 बजे पीसू टॉप पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप पहाड़ का व्यू देख सकते हो, सांस थोड़ी फूली हुई है। हम 3 पहुंच चुके थे, हमारे एक साथी आ रहे हैं। हैं? हाँ, तो नदी क्या वो पहुंच गए। सुमित के शूज थोड़े गीले हो गए थे, गाड़ी में थोड़ा पानी गिर गया था, तो अभी यहाँ पे चेंज करेगा। यहाँ से आपको इसकी ऊंचाई का पता चल रहा होगा, हम वहां से आए थे। दूरी वो दिखाई दे रही है। ये है पिसू टॉप, यहाँ से शेषनाग है अभी 9 किलोमीटर। फाइनली रीच्ड पिसू टॉप, आया मजा। हाँ, बड़ा अच्छा लगा पिसू टॉप पहुंच के। अभी आगे काफी रास्ता बचा हुआ है, यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स हैं। आगे काफी ज्यादा यात्री भी हैं, दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे भी इमरजेंसी में शायद आप रुक सकते हैं, पक्का नहीं पता, बट शायद यहाँ पे टेंट वगैरह दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे। आप देख सकते हो ये टेंट्स वगैरह हैं, जैसे वहाँ पे भी वो उसको इकट्ठा कर रहे हैं। नीचे जा चुके हैं ऑलरेडी। ये है यहाँ पे भंडारा, अभी देखते हैं कुछ पानी वगैरह पियेंगे, कुछ खाएंगे या नहीं पता नहीं। ये है अमरनाथ यात्रा सेवा मंडल, अभी हम रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे शायद, बाकी थोड़ा रेस्ट करके कुछ कर लेंगे। सुमित ने भी अपने शूज चेंज कर लिए हैं। जब हम आए थे तो हमारा कैंप रखा हुआ था पानी का, थोड़ा लीक हो गया था जिसकी वजह से इसके शूज खराब हो सकते थे, बट अभी सूख चुके हैं बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओ तो प्रॉपर ट्रैकिंग शूज हो आपके पास तो वही लेके आए, और अगर आप देख के ला सकते हैं तो ट्रैकिंग शूज भी लेके आए, स्पोर्ट्स शूज भी ना लेके आए। ये है ट्रैकिंग शूज इस टाइप से। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पानी के लिए क्योंकि काफ़ी सोर्सेज रास्ते में, कुछ भी आपको खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि जगह जगह पे भंडारे लगे हुए हैं, और अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो भी डोनेशन दे सकते हो। ये है यहाँ पे भंडारा, यहाँ पे हमने लिए सेवैयाँ। यहाँ पे भजन वगैरह चल रहे हैं तो इसलिए आवाज़ शायद आपको अच्छी नहीं आई होगी पहले वाली क्लिप में भी। अभी हम ये खाएंगे फिर सीधा निकलेंगे शेषनाग की तरफ। आगे